मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को स्वर्गीय कल्याण सिंह की तृतीय पुण्यतिथि पर आयोजित हिंदू गौरव दिवस के दूसरे संस्करण के कार्यक्रम में सम्मिलित हुए और इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जनता की ओर से बाबूजी को श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम में सीएम योगी ने कल्याण सिंह के संघर्षों और चुनौतियों की यात्रा को शिखर से शून्य की यात्रा करार दिया। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति कल्याण सिंह अचानक नहीं बन सकता। कल्याण सिंह बनने के लिए संघर्ष, चुनौती, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। चुनौती और संघर्ष जब सामने होता है तो त्याग और बलिदान का जज्बा पैदा होता है, तब कोई भी ताकत आपको झुका नहीं सकती, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने उद्घोषण में समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया पर भी हमला किया और कहा कि पीडीए पर गंभीर सवाल भी उठाए। सीएम योगी ने विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और उनके मुखिया पर हमला करते हुए कहा कि कौन नहीं जानता कि श्रद्धेय बापूजी के दिवंगत होने पर श्रद्धांजलि देने जाने की बात तो दूर, समाजवादी पार्टी के मुखिया के मुंह से संवेदना का एक शब्द भी नहीं निकला। वहीं प्रदेश का एक दुर्दांत माफिया मरा था तो फतिया पढ़ने के लिए उनके गांव तक चले गए थे। अलीगढ़ जनपद के एक सामान्य किसान परिवार में जन्म लेकर जन्म से ही संघर्ष का जज्बा जिनके अंदर रहा हो, जिन्होंने चुनौतियों से जन्म से ही मुकाबला करना सीखा हो और पहले किसान के रूप में, फिर शिक्षक के रूप में, फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक स्वयंसेवक के रूप में और फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से अपनी यात्रा प्रारंभ करने वाले श्रद्धेय बाबूजी की यात्रा शून्य से शिखर तक की यात्रा है। बहनों और भाइयों, वे विधायक भी थे, सांसद भी थे, प्रदेश सरकार में कांग्रेस की दमनकारी नीतियों के खिलाफ और लोकतंत्र का गला दबाने के खिलाफ हुए आपातकाल के आंदोलन में जेल के अंदर बंद भी हुए थे और आपातकाल के बाद प्रदेश के अंदर बनी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री भी थे। तो राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद उमड़ी हुई आस्था में पहली बार भारतीय जनता पार्टी जब प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाती है, उस सरकार के मुख्यमंत्री भी बने और 1997 में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने और फिर हिमाचल और राजस्थान के राज्यपाल के रूप में भी उस संवैधानिक पद का दायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन करते हुए उन्होंने अपनी अंतिम यात्रा इस धराधाम में समर्पित करते हुए प्रभु श्री राम के लोक के लिए प्रस्थान कर गए। आज उनकी तीसरी पुण्यतिथि है। महत्वपूर्ण तो यह कि कल्याण सिंह क्या कोई व्यक्ति अचानक बन जाता है क्या? कल्याण सिंह के लिए संघर्ष और चुनौती का मार्ग चुनना पड़ता है, त्याग और बलिदान का मार्ग चुनना पड़ता है। जब चुनौती और संघर्ष सामने होता है, त्याग और बलिदान का एक जज्बा होता है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको